दोस्तों आज मैं आपको रिंग जोन जो लोशन है दोस्तों उसके बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ अभी तक का आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। दोस्तों ये मार्केट में बहुत चल रहा है दोस्तों, जो फंगल इन्फेक्शन के लिए लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। ये इसका ये दावा भी है कि दांत, खाद, खुजली, एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन वगैरह के लिए बेस्ट है। ये ऐसा इसका ये दावा है इस जो लोशन है इसका। ये दोस्तों 20 ml का है जो आपको कोई भी मेडिकल के ऊपर 30 से 40 रुपए के आसपास ये मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से जाकर इसको परचेस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये रिंग जोन लोशन है दोस्तों, जो सैलिलिक एसिड है दोस्तों, ये बहुत ही ख़तरनाक एसिड है दोस्तों। इसको तो बिल्कुल ही इसको इस्तेमाल ना करें दोस्तों, ये जो है स्किन को ख़राब कर देता है दोस्तों। ये देखिए रिंग जोन लोशन दांत, खाद, खुजली वगैरह के लिए, इसके ऊपर ये गुजराती में, हिंदी में, इंग्लिश वगैरह में ये सब ये पूरा लिखा हुआ है। ये केमिकल है दोस्तों, ये देखिए बहुत ही ख़तरनाक केमिकल है। और दोस्तों लोग इसका फंगल इन्फेक्शन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, बट ये टेम्प्रेरी आपका जो फंगल इन्फेक्शन है इसको कवर कर देता है दोस्तों, ठीक कर देता है, बट ये स्किन की पूरी वाट लगा देता है, पूरी स्किन को ख़राब कर देता है दोस्तों। इसके फ़ायदे जैसे हैं, जिस तरह से फ़ायदे दिखाई देते हैं उस तरह से इसके नुकसान भी है दोस्तों। इसको बिल्कुल भी ना यूज़ ना करें। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं दोस्तों तो पहले डॉक्टर से मालूम हासिल कर लें, तभी आप इसका इस्तेमाल करें। ये देखिए दोस्तों, ये एसिड है, लिक्विड है दोस्तों। जब आप इसको ये देखिए कुछ लगाने का ये बताया, ये दिया हुआ दोस्तों, इसको इसके अंदर भिगोकर ऐसा कुछ आपके फंगल इन्फेक्शन पर इसका लगाना है दोस्तों। तो दोस्तों जब आप इसको फंगल इन्फेक्शन के ऊपर लगाते हैं तो ये जो इन्फेक्शन की जगह है वो बहुत ज़्यादा अंगार करने लगती है दोस्तों, बहुत ही जलन होने लगती है उसकी वहाँ पर। ये स्किन को, वो जो फंगल इन्फेक्शन वगैरह की स्किन को, इसको जला देता है दोस्तों, ये बहुत ही ख़राब कर देता है दोस्तों। और दोस्तों बहुत से लोग इसको चेहरे पे यूज़ कर रहे हैं, फेस पे, तो उन्हें ये दोस्तों बिल्कुल इसको चेहरे पे यूज़ ना करें दोस्तों। ये चेहरे को पूरा जला देता है, आपका पूरा चेहरा भी ख़राब कर देगा दोस्तों, और इससे कुछ फंगल इन्फेक्शन वगैरह कुछ ठीक नहीं होता है दोस्तों। टेम्परली दोस्तों ये आपका जो फंगल इन्फेक्शन है इसको ठीक तो कर देता है, बट ये परमानेंट नहीं करता, ये उलट आपका काम बढ़ा देता है दोस्तों। आप इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें दोस्तों। इसके ऊपर अभी कुछ दिन पहले बैन भी कर दिया गया था दोस्तों, ये बंद हो गया था, बट ये वापस से दोबारा मार्केट में आने लगा है दोस्तों। ये कोई भी मेडिकल के ऊपर आपको ये मिल जाएगा दोस्तों 30 से 40 रुपए के अंदर। तो आप पहले डॉक्टर से मालूम हासिल कर ले, डॉक्टर से पूरी सलाह ले ले दोस्तों, तभी आप इसका इस्तेमाल करें दोस्तों। ये बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही भयानक है दोस्तों, जो स्किन को ख़राब कर देता है दोस्तों। ये देखिए 4 रिंगरोम, एक्जिमा, एक जो भी है एक्जिमा, दांत, खाद, खुजली, फंगल इन्फेक्शन वगैरह, उस कंडीशन में ये लगाने का है दोस्तों। ये देखिए ये कुछ वहाँ उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह ये सारी डिटेल दी हुई है इसके ऊपर। ये केमिकल है दोस्तों, ये इसके ऊपर नाक बना हुआ है, ये देखिए एक ये बच्चा नाक से लड़ रहा है। ये देखिए स्नैक वगैरह जो सांप है उससे ये इसका बता रहा है, मानना इसे ये इसका ये कार्टून है, इसके ऊपर ये डिटेल है दोस्तों। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी ना आप इसका इस्तेमाल करें, ना किसी को इसको इस्तेमाल करने की सलाह दे दोस्तों, इसे बंद कर देना चाहिए दोस्तों। ये स्किन को जला देता है, स्किन को ख़राब कर देता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें दोस्तों, ये स्किन के लिए बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही नुकसानदह है दोस्तों। ये एसिड है, ये स्किन को जला देता है। जब आप फंगल इन्फेक्शन के अंदर आपका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही काफ़ी जलन होती है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है दोस्तों, तो बिल्कुल इसका इस्तेमाल ना करें दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे उसकी कॉम्पोजिशन है, इसमें सैलिलिक एसिड है, और ये देखिए ग्लाइसिकल एसिड एसिड, ये पूरे एसिड से बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, पूरा ये एसिड से बना हुआ है लिक्विड, ये बहुत ही ख़तरनाक है। इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें दोस्तों फंगल इन्फेक्शन। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आप स्किन से डॉक्टर, स्किन का जो डॉक्टर है डर्मेटोलॉजिस्ट, उससे आप कंसल्ट कीजिए, तो उससे पूरा प्रॉपर इलाज कीजिए दोस्तों, जब भी आपका जो फंगल इन्फेक्शन है वो कवर में आएगा। बाहर की जो भी मेडिसिन वगैरह है या जो भी एसिड है, क्रीम है, उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें दोस्तों।
अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आप प्लीज़ डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर के पास जाएं आप डॉक्टर से ही पूरी ये फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करें दोस्तों। बाहर की कोई भी क्रीम आपको ये फंगल इन्फेक्शन में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो बहुत ही नुकसानदायक है दोस्तों। आपकी पूरी स्किन को ये बहुत सी क्रीम डैमेज कर देते हैं दोस्तों, लोग वो कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ डॉक्टर्स की सलाह के बगैर इस जो लिक्विड है दोस्तों, इसका इस्तेमाल ना करें दोस्तों, ये बहुत ही नुकसानदायक है, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपना अगर आप जो भी राय है इस एसेट के बारे में तो प्लीज़ कमेंट कीजिए दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए।